उत्तराखंड के चीन नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक बदलाव की सूचना खुफिया विभाग पहले ही दे चुकी है। अब नैनीताल जिले में रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ की आशंका का इनपुट खतरे की घंटी जैसा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने सत्यापन शुरू कर दिया है। एसएसपी के आदेश के बाद सभी क्षेत्रों में सीओ सिटी को जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही सिपाही अपने क्षेत्र में जाकर विशेष समुदाय के लोगों का भौतिक सत्यापन करेंगे। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला है कि जिले में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की है। विशेष धर्म वाले क्षेत्रों में ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि इनके आने का कोई ठोस सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं है, पर रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े मामले को पुलिस हल्के में नहीं लेना चाहती। पुलिस अधिकारियों ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जांच बैठा दी है। जिलों के सभी सीओ को अपने अपने क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों का वेरिफिकेशन कराने को कहा गया है। रोहिंग्या से जुड़ा इनपुट सही मिला तो पुलिस इनके खिलाफ अगला कदम उठाएगी। दरअसल रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये मूल रूप से सुन्नी मुसलमान होते हैं। म्यांमार में विवाद होने के बाद ये थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश आदि देशों में शरणार्थी और घुसपैठ कर रहे हैं। भारत में इनकी संख्या करीब 40 से 50 हजार है। इनमें से 16,500 UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से पंजीकृत हैं, बाकी अवैध रूप से रह रहे हैं। देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठ कर इनके रहने की सूचना है। ये जम्मू कश्मीर से साउथ के राज्यों में रह रहे हैं। हाल ही में कई राज्यों की पुलिस ने इन्हें मानव तस्करी, नशे की तस्करी आदि अपराधों में लिप्त होने की भी सूचनाएं मिली। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस इनकी घुसपैठ की सूचना पर अलर्ट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।